प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी। मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसानों के हृदय सम्राट राकेश टिकैत काफिले के साथ धरना स्थल कृष्णा नगर मथुरा के बिजली घर पहुंचे। साथ ही अखिल भारतीय समता फाउंडेशन अध्यक्ष लुकेश राही को जूस पिलाकर धरना कराया स्थगित। आपको बताते चले, दिनांक 27 दिसंबर 2001 को प्रातः 10 बजे अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा 421 दिन से चल रहे कृषि काले कानून के विरोध में देशव्यापी निजीकरण, देशव्यापी बेरोजगारी, दोहरी शिक्षा नीति के खिलाफ, बिजली बिल माफी, स्कूल फीस माफ कराने, बढ़ती महंगाई, बिगड़ते कानून व्यवस्था, बहन बेटियों के अत्याचार के खिलाफ, केंद्र व राज्य की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जारी धरना प्रदर्शन स्थगित कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसानों के हृदय सम्राट राकेश टिकैत जी काफिले के साथ धरना स्थल कृष्णा नगर बिजली घर पहुंचे। आपको बताते चले, अध्यक्ष लुकेश कुमार राही को जूस पिलाकर धरना कराया स्थगित। इस अवसर पर समता फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने माननीय राकेश टिकैत जी को स्मृति चिन्ह देकर साफा पहनाकर सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में माननीय राकेश टिकैत जी ने 421 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन को संचालित करने वाले समस्त साथियों को संपूर्ण राष्ट्र की ओर से आभार व्यक्त किया और साथ में मथुरा वासियों को जाते जाते आगाह कर गए और आड़े हाथ बीजेपी को लिया। अगर मथुरावासी इन धोखेबाज भेष बदलने वाले सत्ताधारियों के बहकावे में आ गए तो मथुरा का अमन चैन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मथुरा के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन सांप्रदायिक लोगों से दूर रहें। साथ ही बताया कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित किया गया है। इसी रणनीति के तहत मथुरा से चल रहे आंदोलन को आज स्थगित कराया गया है। कार्यक्रम से पूर्व फाउंडेशन पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन के साथियों के साथ मिलकर माननीय राकेश टिकैत जी की अभूतपूर्व आगवानी की जुलूस में मोटरसाइकिल सवार और साउंड सवार रथ गगनभेदी नारों के साथ धरना स्थल तक लाया गया। आपको बताते चले, 421वें दिन धरना स्थल पर कार्यक्रम स्थगन के दौरान पवन चतुर्वेदी, विक्रांत सिंह, देवेंद्र एडवोकेट, नरेश चौधरी, रमेश सैनी अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, राजवीर सिंह अध्यक्ष सुहेल देव पार्टी, डॉक्टर राजकुमार सैनी, डॉक्टर अशोक सैनी, चित्रसेन मौर्य, सूर राजू सर, रोहतास बोरा, धनीराम बाबा, दिनेश मिस्त्री, हीरा चक्रवर्ती, विनोद बघेल, अरविंद कुंजनगर, जितेंद्र बजाना, अजय सनवाल, लक्ष्मण अंगद, थान सिंह प्रधान, राजेश कुमार बंजारा, राजेंद्र निमेश आजाद समाजवादी पार्टी, ब्रजलाल कामरेड, राम बाबू वर्मा, कुलदीप कुमार वृंदावन, साबिर खान, शिव कुमार, चंद्रपाल सिंह, अजीत मोरा, गोपाल बघेल, विवेक कुमार, कमल सिंह, कप्तान सिंह, कौशल सिंह, अंकित सागर एडवोकेट, कुलदीप, विजय कुमार, प्रेम सिंह, विमल, रविंद्र नरवार, इंजीनियर अतर सिंह, इंजीनियर राहुल सागर, मनीष कुंजनगर, सुभाष दिवाकर, करण सिंह, लक्ष्मण सिंह बौद्ध, ठाकुर गंगाराम, ठाकुर कमलपाल, तेजपाल बाबा, गुलाब सिंह, मनोज प्रधान, मुकेश कुमार नौगांव, प्यारे लाल सकराय, बीडीसी संजय, अमित प्रकाश, रवि कुमार, सुमित प्रकाश, ललित शर्मा, मुजाहिद कुरैशी, सुनील चौधरी, जन सेवक चिराग उद्दीन कुरैशी, संतोष शर्मा, जितेंद्र एडवोकेट, अनुज शर्मा, हरिओम आदि लोग रहे उपस्थित। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लुकेश राही ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए आपको दिखाते हैं राकेश टिकैत के बयान।
ब्यूरो रिपोर्ट, विजय कुमार, मथुरा। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? यूनियन किसको संपर्क करेंगे? क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई धक्का मत दो यार। दिन आपने धरना दिया, लंदन प्रस्ताव मिला, 425 दिन धरना दिया, राय जी ने इनको कुछ मिलेगा? कोई फर्क नहीं करा कोई। पुरस्कार आंदोलन कर चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो पुरस्कार ये है कि आपने मथुरा घर बचा ली, पुरस्कार है। मथुरा धंधे ने बचा लो तो पुरस्कार है मथुरा वासियों के लिए। किसानों का सबका रोजगार चल रहा। किसानों के अत्यारे टैनी पर क्या कहेंगे अब? टैनी पे पूर्ण रूप से हमारा ये रहेगा कि उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी ये रहेगी, और जहाँ पे भी मीटिंग हो तो हम लोग ये कहते रहेंगे। क्या लग रहा है सरकार बचा रही होगी? सरकार बचा रही होगी, रहेगा चुनाव के बाद लगे कि चुनाव तक हो जाना तो हमारा काम। क्या उसके बाद फिर आंदोलन शुरू होगा? हाँ आंदोलन तो शुरू होगा, आंदोलन चलेगा आगे। यहाँ सबका काम चल रहा है, रेहड़ी रिक्शा टेम्पू ठेले सबका काम चल रहा है। यहाँ पे यहाँ काम आगे खुलने भाई तो कोरोना को यार ठीक है आपने तो इलाज होगा ये 3 साल क्षेत्र है अपना सबका काम चल रहा है। अरे भाई दिल्ली में जो भारत सरकार ने कहा उसको अपना काम करे सरकार से वोट मिलती है, झगड़ों से वोट नहीं मिलती। अपने उस पर ध्यान दो, किसानों के फसलों के रेट कम है उसका रेट बढ़ाओ। यहाँ पे भी पानी की समस्या है मथुरा में, एक शुगर मिल पे भी लगा चल रहा तो भाई शुगर मिल के भी पैसे दे दो फैक्ट्री कहाँ जाएंगे छाता के किसान? यहाँ पे फसलों के एमएसपी में खरीद हो, एमएसपी में खरीद उसमें कानून बने, गारंटी कानून वो बने, और दिल्ली में 1 साल तक 13 महीने दिल्ली में धरना दिया लोगों ने, 2 लाख आदमी उन पर अपना निगाह रखो भाई, अपने ट्रैक्टर को मजबूत रखो क्योंकि ट्रैक्टर ही खेत में चलता है, वो कहीं दूसरी जगह भी चले अपना ध्यान रखो उसमें भी बढ़िया आपका क्षेत्र अपना काम करो। कन्हैया की नगरी है भाई, हाँ यहाँ सबका काम चल रहा है, यहाँ छेड़खानी ना करिए। आपका धन्यवाद सभी का, अपना भाई धरना है अपना अपना समाज को कर लियो, आज बहुत दिन हो गए यहाँ कोई नहीं होगा कह रहे भाई अपने धरना।
Come on!
करेगी तो हम दोबारा धरने को चालू रखेंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। मैं आपको समापन नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, और ये कार्यक्रम दोबारा भी होगा। सरकार की तानाशाही के खिलाफ, सरकार की गुंडागिर्दी के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि हमने देखा है सरकार उत्तर प्रदेश में जो है वो सांप्रदायिक दंगे कराने वाली सरकार है, क्योंकि हमने ये देखा है सरकार पुलिस का, प्रशासन का और सरकारी संसाधनों का अपने निजी खेतों में दुरुपयोग कर रही है और निजीकरण कर रही है, लोगों को बेरोजगार कर रही है। हम आप सब लोगों का आज इनके सामने आकर के यहाँ 4/31 दिन धरने को स्थगित कराया है। हमारे धार्मिक समाज के संकल्प देव सोसाइटी के अजय सन्मान जी, लक्ष्मण आनंद जी और हमारे धनीराम बाबा और महेंद्र चौधरी जी, हमारी जैसे बिजली का 708 रुपये का पेनल्टी लगी थी वो मानी गई है, और स्कूल फीस के मामले में भी कोई जबरन वसूली नहीं कर सकता, और इस मामले को हटाने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन सरकार और मंत्री जी की गुंडागिरी के वो हटाए नहीं जा रहे। सरकार नहीं मानती, सरकार को हम अफसरों को चिट्ठी लिखते हैं, जैसा उदाहरण के लिए हम किसी विभाग के मंत्री से बात नहीं करते, हम विद्युत व्यापार बोर्ड उत्तर प्रदेश को बताते हैं कि किस कदर से, किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कृषि कानूनों की मांग को लेकर के, रद्द कराने की मांग को लेकर के, निजीकरण के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, गहरी शिक्षा नीति के खिलाफ और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ, महंगी बिजली के खिलाफ, महंगी स्कूल फीस के खिलाफ, कोरोना काल में स्कूल फीस और तमाम कोरोना काल में सरकार की लापरवाही से मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे की मांग और आदि करीब 3 दर्जन मांगों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। आज 421वें दिन, जैसा कि हमारे नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी ने आकर के हमें, हमारे साथियों को जूस पिला करके आज जो धरना, मैं अखिल भारतीय समता फाउंडेशन का अध्यक्ष लोकेश कुमार राही हूँ, आज जो टिकट साहब यहाँ पर आए, जो स्थगित किया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफी दिनों से आपने प्रेशर किया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा भी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कृषि कानूनों की मांग को लेकर के, रद्द कराने की मांग को लेकर के, निजीकरण के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, गहरी शिक्षा नीति के खिलाफ और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ, महंगी बिजली के खिलाफ, महंगी स्कूल फीस के खिलाफ, कोरोना काल में स्कूल फीस और तमाम कोरोना काल में सरकार की लापरवाही से मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे की मांग और आदि करीब 3 दर्जन मांगों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। आज 421वें दिन, जैसा कि हमारे नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी ने आकर के हमें, हमारे साथियों को जूस पिला करके आज जो धरना एक निश्चित समय के लिए स्थगित करा दिया गया है, अगर ये सरकार दोबारा हमारी बात नहीं मानेगी तो हम दोबारा धरने को चालू रखेंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। मैं आपको समापन नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, और ये कार्यक्रम दोबारा भी होगा। सरकार की तानाशाही के खिलाफ, सरकार की गुंडागिर्दी के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि हमने देखा है सरकार उत्तर प्रदेश में जो है वो सांप्रदायिक दंगे कराने वाली सरकार है, क्योंकि हमने ये देखा है सरकार पुलिस का, प्रशासन का और सरकारी संसाधनों का अपने निजी खेतों में दुरुपयोग कर रही है और निजीकरण कर रही है, लोगों को बेरोजगार कर रही है। हम आप सब लोगों का आज जगह सामने आकर के यहाँ 421वें दिन धरने को स्थगित कराया है। हमारे धार्मिक समाज के संकल्प दर्पण सोसाइटी के अजय सन्माल जी, लक्ष्मण आनंद जी और हमारे धनीराम बाबा और महेंद्र चौधरी जी, क्या कुछ मांगे मानी गई है आपकी सरकार? बहुत सारी करीब 1/2 दर्जन मांगे भारी मानी जा चुकी है, जैसे बिजली का 708 रुपये की पेनल्टी लगती थी वो मानी गई है भारी, और स्कूल फीस के मामले में भी कोई जबरन वसूली नहीं कर सकता, और स्मार्ट मीटर हटाने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन सरकार और मंत्री जी की गुंडागिरी है वो हटाए नहीं जा रहे।
सरकार हर कानून को आपको मांग को लेकर माननी है, लेकिन उसको लेकर आप किस तरीके से विश्वास? नहीं, सरकार नहीं मानती सरकार को। हम अफसरों को चिट्ठी लिखते हैं, जैसा उदाहरण के लिए हम बिजली विभाग के मंत्री से बात नहीं करते, हम विद्युत नियामक बोर्ड उत्तर प्रदेश को बताते हैं कि किस कदर से किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन से सरकार को कोई असर दिख नहीं रहा है, जिस तरीके से ये आंदोलन स्थगित किया जा रहा है। सरकार 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 की अपनी समस्या है। ऐसा होता है कि जो आदमी ठुककर छाटते ना उनका कोई फायदा नहीं होता, जो लोग ठुककर छाट जाते हैं उनका कोई सामान नहीं होता। तो